राज्य में एक राजा था। उस राजा से मिलने एक दिन एक चुटिया वाला ब्राह्मण आया और आके उनसे कहा, प्रणाम महाराज, मैं एक विचित्र पंडित हूँ। ये कैसा पंडित? मैं तलवार सुनकर ये कह सकता हूँ कौन तलवार सही है। ठीक है, तो आप मेरे राज्यसभा में रहिए और तलवारों का विचार कीजिए और बताइए इसके लिए आप कितना मुद्रा लेंगे। जी, एक महीने में 5,000 सोने का मुद्रा चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद चुटिया वाला पंडित राज्यसभा में बैठकर तलवार का विचार करने लगा। हमारे राज्य के हट्टा सेन तलवार लेकर राज्यसभा में इसी वक्त प्रस्तुत हो रहे हैं। दिखाओ मुझे तलवार। कितना गंदा है, अलक्ष्मी है, बेकार है ये तलवार। अगले व्यक्ति को पेश किया जाए। अब आ रहे हैं भीकू लोहार। ये क्या जी, पंडित जी तलवार फेंक दिए? यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, हो सके तो तलवार में कुछ कमी हो। मुझे भी लग रहा है, अब मैं बहुत मेहनत से एक अच्छा तलवार बनाऊंगा। देखता हूँ मेरा तलवार कैसे वापस देता है। इतना घटिया तलवार कहाँ से लाते हो तुम? घटिया तलवार? आपको पता है मैं इतना मेहनत करके अच्छा लोहे से ये तलवार बनाया मैं, और आप कहते हैं ये घटिया है, बेकार है। सही गलत तुम समझते हो? मैं कह रहा हूँ ये घटिया है। तुम यहाँ से जाओ, अगले को भेजो। विचित्र तलवार बनाने वाले उल्का सेन राज्यसभा में तलवार लेके आ रहे हैं। इस तलवार को देखिए पंडित जी, बहुत खास है ये तलवार। इसका मूल्य 1,000 मुद्राएं है महाराज। पहरी, इसे 1,000 सोने का मुद्रा देकर ये तलवार ले लो। जैसी आज्ञा महाराज। अब तुम मुझे मेरे हिस्से का मुद्रा दे दो। दो दो। जरूर, ये लीजिए 1,000 मुद्रा का आधा हिस्सा, ये लीजिए आप। अच्छा, तो ये बात है, रुको तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। पंडित जी रिश्वत लेते हैं तो रिश्वत दीजिए, आप ये ना करके बैठ गए हैं तलवार में मिर्ची लगाने। दिमाग वाग है कि नहीं आपका? हाँ, बुद्धि है, इसीलिए मैं एक काम कर रहा हूँ। समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। पंडित जी, आज मैं बहुत अच्छा तलवार लाया हूँ। कहाँ, दिखाओ। क्या हो गया, मेरा नाक क्यों जल रहा है? अरे पहाड़ी, तुम कहाँ हो पहाड़ी? जल्दी जाके कलीराज को बुला के ले आओ। तुम कहाँ हो पहाड़ी? शैतान पंडित, बहुत अच्छा सबक सिखाया हूँ मैं तुझे। मजा आ गया, मजाक। अब मैं यहाँ से जल्दी भागता हूँ। जल्दी। हट्टू सिंह तो वहाँ से भाग निकला, लेकिन उस चुटिया वाले पंडित को सब चिढ़ाने लगे। नाक कटा हुआ पंडित करके बुलाने लगे। क्यों नाक कटा पंडित जी, कैसा लगा तलवार?